हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्विक। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा खबर लेकर के आ गया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, उनके लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो यूपीएससी 2020 के लिए अपना मूड बना रहे थे कि इस बार सिलेक्शन लेकर के ही रहेंगे, तो उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बुरी खबर है। जैसा कि आप थंबनेल देख भी रहे हैं, क्या है, यूपीएससी 2020 की तैयारी करने वालों के लिए बुरी खबर। 300 सीटें घटी, रेलवे में सीटें जीरो। 300 सीटें घट गई है फ्रेंड्स, यानी कि आप समझ सकते हैं 300 का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 700-800 वैकेंसी आती है हमेशा। रेलवे में सीटें जीरो। जी हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि यूपीएससी के थ्रू मैं रेलवे में जाऊँ, पूरा एक डिब्बा मेरा अपना हो, रेलवे का एक ट्रेन का एक डिब्बा मेरा हो, एक कंपार्टमेंट, तो सपना टूटने वाला है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं जो न्यूज़ देने वाला हूँ, पिछले 5 सालों में सबसे कम पद। जी हाँ फ्रेंड्स, पदों की संख्या भी सबसे कम हो गई पिछले 5 सालों में। तो मैं पूरा न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ठीक है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, ऐसे लगातार अपडेट चाहते हैं, तो हमारे चैनल के बाद सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको पल पल की अपडेट ऐसे मिलती रहे। लगातार मैं न्यूज़ देता रहता हूँ फ्रेंड्स, लगातार अपडेट हर एक वैकेंसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही अपील करूँगा, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, हमारे चैनल के मेंबर नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें। अब मैं दिखाता हूँ पूरा न्यूज़ फ्रेंड्स क्या है, मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ बहुत बुरी खबर है। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड का यूपीएससी को पत्र, हमारे लिए नियुक्ति न करें, सिविल सेवा परीक्षा में इस वर्ष 300 सीटें कम। नई दिल्ली, शरद गुप्ता का ये रिपोर्ट है। इस साल केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में 300 सीटें कम हो जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने यूपीएससी को एक पत्र लिखकर कहा है कि वह इस साल से रेलवे के लिए अफसरों का चयन न करें। बोर्ड ने 13 जनवरी को यूपीएससी को भेजे पत्र में कहा है कि हाल ही में उसने 9 अलग अलग सेवाओं को मिलाकर रेलवे मैनेजमेंट सेवा बनाने का ऐलान किया था, इसीलिए अब यूपीएससी उसके लिए इस नए काडर के लिए अफसरों का चयन न करे। अगले महीने से सिविल सेवा परीक्षा 2020 के प्रीलिम्स के लिए आवेदन मांगे जाने। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि लोग जान रहे हैं, 12 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। पिछले साल सिविल सेवा परीक्षा के जरिए 782 अफसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई गई। 2018 में भी इतनी वैकेंसी के लिए विज्ञापन दिया गया था, जबकि 759 अफसरों का ही चयन हो पाया। पिछले 6 साल में यह सबसे कम संख्या है। 2014 में 1364 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया और 1236 अफसरों का चयन हुआ। इस साल यह संख्या केवल 642 रह जाएगी। देखिए, मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बोल रहा था, ये 6 साल लिखा हुआ है, मैंने गलती कर दिया थंबनेल बनाने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो पिछले 6 साल में सबसे कम वैकेंसी है ये, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए क्या है, कैसे होंगी नियुक्तियाँ। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए रेलवे जब यूपीएससी को मना कर रहा है, तो रेलवे कैसे नियुक्तियाँ करेगा इन पोस्ट पर, ये देखा जाए क्या है यहाँ पे न्यूज़, ठीक है। तो रेलवे ने अभी यह तय नहीं किया है कि नए बने काडर रेलवे मैनेजमेंट सेवा के लिए नियुक्तियों की क्या प्रक्रिया होगी। क्या रेलवे बोर्ड इसके लिए अलग से परीक्षा कराएगा या किसी अन्य परीक्षा के जरिए अफसरों का चयन होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव और बोर्ड के कार्यकारी निदेशक आईपीआरडी वाजपेयी को इस संबंध में भेजे प्रश्न का अमर उजाला को कोई जवाब नहीं मिला। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा धोखा है स्टूडेंट्स के साथ। इससे पहले एक बार और हुआ था, रेलवे क्या किया था, यूपीएससी से ऐसे ही बोल के एससीआरए की वैकेंसी बंद करवा दी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एससीआरए का 40-42 पोस्ट की वैकेंसी आती थी हर साल, यूपीएससी के थ्रू वो भी एग्जाम होता था। उसमें क्या होता था, 12th पास आउट बच्चे जो होता था पार्टिसिपेट करते थे यूपीएससी के थ्रू, और फिर उन्हें 4 साल का ट्रेनिंग दिया जाता था, इंजीनियरिंग कोर्स कराया जाता था। तो वो भी वैकेंसी बंद करवा दी रेलवे यूपीएससी से कहकर, ये भी वैकेंसी बंद करवा दिया। ये बहुत धोखा है फ्रेंड्स बेरोजगारों के साथ, जो रेलवे में अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं यूपीएससी के थ्रू, उनका सपना ही टूट गया हमेशा के लिए, ठीक है। अभी इसमें और भी न्यूज़ है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। सांसदों ने जताई आपत्ति, कई सांसदों ने नए काडर के गठन और नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। रेलवे संबंधी संसद की अस्थायी समिति के सदस्य प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में पुराने काडरों को बहाल किए जाने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए चुने गए अफसरों की सेवा शर्तों में अचानक बदलाव लाया जाना असंवैधानिक और गैरकानूनी। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल गैरकानूनी या असंवैधानिक है, क्योंकि ऐसे युवाओं का मनोबल टूटेगा। उन्हें पूरा उम्मीद था कि रेलवे में जाएंगे यूपीएससी के थ्रू, लेकिन अब सपना उनका टूट चुका है। तो फ्रेंड्स, यही आज का न्यूज़ था। थैंक यू।